तो ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर काम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए सिक्योरिटी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, तो कंटिन्यूसली आपको इस पर काम करना पड़ता है। हम थोड़ा बहुत सिक्योर कर सकते हैं इसके लिए, जो एक सेपरेट टीम भी होती है कंपनीज में, लेकिन थोड़ा बहुत हमको स्टार्ट से ही मैनेज करते चलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर कर लेंगे, और इसके बाद में आप चाहें तो इसको होस्ट भी कर सकते हैं। होस्टिंग की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, वहाँ पे जो है फ्री टियर पे कैसे आप होस्ट कर सकते हैं उसका वीडियो भी है, तो मेक श्योर जरूर चेकआउट करें। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, npm js पे जाना है, और कुछ पैकेजेस हैं उसको हम क्या करेंगे हमारी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना हमारे हेडर हेडर वाले पार्ट को सिक्योर करेंगे। सो हेलमेट का मैं यूज कर लेता हूँ। अगर आप हेलमेट को रिएक्ट के साथ में यूज करेंगे तो आप जो है SEO पर काम कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, रिएक्ट हेलमेट फॉर मेटा डेटा के लिए यूज होता है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्योर हेलमेट का यूज करने वाले, और इसकी मदद से क्या होगा, थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के हेडर को जो है सिक्योर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये मिडलवेयर है, सिंपली आप इसको कॉल कर देंगे तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इनकेस अगर इसमें आपको देखिए बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन ओपनर पॉलिसी, फिर डाउनलोड एक्सेट्रा, बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करिए अगर आपको इनको यूज करना है। सिक्योरिटी अपने आप में टॉपिक है, तो मैं सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनकेस अगर आपको जानना है तो आप सेपरेटली इसका जो है आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या फिर इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ें। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे। सो आपको क्या करना है, इस पैकेज को डाउनलोड करना है, कॉपी कर लेंगे इंस्टॉलेशन कमांड, चलते वापस VS कोड में, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, सर्वर को क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, CLS। उसके बाद में इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, npm i helm, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। छोटा सा पैकेज है, देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो गया। पैकेजेशन फाइल में इसको चेक कर लेंगे एक बार, तो देखिए यहाँ पर इसका 7.1 का भी लेटेस्ट वर्जन है। अब हमको क्या करना है, इसको एज अ मिडलवेयर यूज करना है हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट मतलब क्या है कि हमारे मेन फाइल के अंदर। तो मेन फाइल क्या है, हमारी server.js की फाइल है। कैसे यूज करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखिए आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पे, इम्पोर्ट हेलमेट फ्रॉम हेलमेट, हेलमेट में से हमने हेलमेट को इम्पोर्ट कर दिया, और यहाँ पे हम इसको एज अ मिडलवेयर यूज करेंगे। सो एप डॉट यूज ऑफ, और यहाँ पे हेलमेट को हमको सिर्फ कॉल कर देना है, कॉल कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो बाय डिफॉल्ट हमारा हेडर जो है यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। देखिए पूरा सिक्योर नहीं होगा, नॉर्मल ये अपनी तरफ से प्रिवेंशन करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन और कॉन्फिगर आपको इसको करना पड़ेगा। अगर आपको एडवांस लेवल पे करना है तो आप कर सकते हैं, फिलहाल हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं इसीलिए हम इसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पैकेज आता है XSS-Cli, ये एक और पैकेज है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। और एग्जैक्ट मैच तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मैं डैश निकाल देता हूँ, डायरेक्ट देख लेते हैं XSS-Cli। और आई थिंक ये पैकेज रिमूव हो गया क्या, शायद से ये रिमूव हो गया, गूगल करके एक बार देख लेता हूँ मैं, XSS-Cli npm। तो ये देखिए यहाँ पर पैकेज बराबर से आ रहा है, सर्च में बराबर से शो नहीं कर रहा है। ओके हैज बिन डेप्रिकेटेड हो गया पैकेज, ओके कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, तो इस पैकेज को हम अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पैकेज का हम यूज नहीं करेंगे, अगर डेप्रिकेटेड है तो फिर थोड़ा सा इशू करेगा वो, अगर हम इसको फोर्सफुली इंस्टॉल करेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मोंगो डीबी को थोड़ा सा सिक्योर कर लेंगे। सो आपको लिखना है एक्सप्रेस मोंगो सैनिटाइजर, यही पैकेज था आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सैनिटाइजर, इतना लिख के आप सर्च करिए, एग्जैक्ट मैच है, देख सकते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मोंगो डीबी को भी थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं। देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, आपको सिंपली इसको जो है एज अ मिडलवेयर ही यूज करना है, बाकी बिहाइंड द सीन ये काम करता है। इनकेस अगर आपको कुछ और सेटिंग्स करना है तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स नहीं देखने वाले। देख सकते हैं आप इसमें, देखिए बहुत से ऑप्शन आपको मिलते हैं, बेसिक भी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत सिक्योर होगा, एडवांस लेवल पे ये सारे सेटअप आपको करने पड़ते हैं। मोंगो सैनिटाइज डे रन ट्रू ऑन सैनिटाइज पे क्या होना चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। अगर हम सिक्योरिटी पर काम करेंगे ना तो सेपरेटली उसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएंगी, इसलिए मैं जो है ज़्यादा एडवांस में इसमें नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो इस पैकेज को यहाँ से आप क्या करें, पहले शुरू इसका इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी कर लें, चलते वापस VS कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे npm i express mongo-sanitize, और इसको भी हम क्या करेंगे टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट,
और सैनिटाइज कर लेते हैं इसको, या फिर देख लेते हैं एक बार इसने क्या नाम लिखा हुआ है। सेम नाम यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसने लिखा हुआ है मोंगो सैनिटाइज, तो सेम नाम मैं यूज कर लेता हूँ, मोंगो सैनिटाइज फ्रॉम, फिर एक्सप्रेस का यूज करेंगे, एक्सप्रेस मोंगो सैनिटाइज। इसको भी हम क्या करेंगे एज अ मिडलवेयर यूज करेंगे। सो हेलमेट के बाद में ऐप डॉट यूज ऑफ मोंगो सैनिटाइज, और इसको हम कॉल कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर लिया। उसके बाद में देखिए आप जो है यहाँ पर लिमिटर भी लगा सकते हैं। लिमिटर का मतलब क्या है कि कौन सी यूआरएल या फिर कौन सी एपीआई को आप कितने टाइम के लिए एक्टिव करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए एक्टिव रखना है, या फिर कोई आईपी के लिए स्पेसिफिक आपको असाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी एक पैकेज आता है, हम सर्च कर लेंगे इसको, और इस पैकेज का नाम है एक्सप्रेस रेट लिमिट। देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, सर्च कर लेंगे इसको, एग्जैक्ट मैच है। तो इस पैकेज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने जो भी एंड पॉइंट है ना उसके अंदर लिमिट लगा सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आप उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, लॉग इन और रजिस्टर में हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसको एज अ मिडलवेयर हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है इसको, फिर लिमिटर में हमारे पास देखिए रेट लिमिट का ऑप्शन होता है, और कितने टाइम के लिए चाहिए 15 मिनट्स, और उसके बाद में फिर यहाँ पर लिमिट भी आप लगा सकते हैं कितनी रिक्वेस्ट जाना चाहिए पर विंडो पर। क्योंकि क्या होता है कभी कभार जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है ना तो उसमें कंटिन्यूस हमारी एपीआई हिट होती है, तो उससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी मदद से, अगर हम यहाँ पर उसको लिमिट कर देंगे ना तो एक सिस्टम से सिर्फ 15 मिनट तक ही वो जो है उस एपीआई को यूज़ कर सकता है, और रिक्वेस्ट भी यहाँ पर सिर्फ 100 टाइम वो भेज सकता है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे इस पैकेज को भी कॉपी कर लेंगे। सो इस इंस्टॉलेशन कमांड आप कॉपी करिए, चलते वापस वीएस कोड में, और इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, npm i express dash rate limit। छोटे छोटे पैकेजेस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। पैकेज जेसन फाइल में एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, तो पैकेज जेसन फाइल इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए रेट लिमिट का 7.1 का पैकेज डाउनलोड हो गया। अब इसका हम यूज़ कर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे ऑथ वाले पार्ट में यूज़ कर लेंगे। सो यूज़र कंट्रोलर, इसमें हम क्या करेंगे या फिर राउट में करेंगे, ठीक है राउट में करना पड़ता है। सो यूज़र राउट, इसमें हम क्या करेंगे इसको इम्पोर्ट कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट रेट लिमिट फ्रॉम एक्सप्रेस रेट लिमिट, और इसके बाद में इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका एक फंक्शन है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट, और यहाँ पे मैं कमेंट भी बना देता हूँ रेट लिमिटर, और एज इट इज सेम रखते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाई डिफॉल्ट अगर आपको इसका टाइम चेंज करना है या फिर आईपी का जो है रिक्वेस्ट चेंज करना है ना, तो आप चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर चेक करें, उसके बाद में इसमें चेंजेस करें। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एज अ जो है मिडलवेयर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेन फाइल में यानी जो भी आपकी इंटर पॉइंट फाइल है, हमारे केस में सर्वर डॉट जे एस की फाइल है, उसमें कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, हम राउट में इसका यूज़ कर रहे हैं ना, तो एज अ मिडलवेयर हम इसमें पास करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए रजिस्टर के बाद में हम क्या करेंगे, क्या नाम है इसका, लिमिटर है। सो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिटर लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर अगेन रजिस्ट्रेशन में भी हम क्या करेंगे लिमिटर का यूज़ कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार सर्वर चेक कर लेंगे कहीं एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो गई। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिर से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर। तो एप्लीकेशन हमारी बराबर से रन हो चुकी है और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर जो है लॉगिन एपीआई को टेस्ट कर लेता हूँ, लिमिटर के बाद में ये काम करती है नहीं, उसको चेक कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, ये है लॉगिन, ठीक है, बॉडी के अंदर देखिए बराबर से डेटा है अपने पास, पोस्टमैन कैचे बना के रखता है, तो बराबर से यहाँ पर डेटा है। मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली, और सारा का सारा डेटा अपने पास है। तो परफेक्टली हमारे पास लिमिटर भी काम कर रहा है। अभी ये डायरेक्ट टेस्ट नहीं होगा, जब आप इसको जो होस्ट करेंगे और ज़्यादा ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन पे आएगा ना, जब इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी हमने हमारी एप्लीकेशन में ऐड कर दी है, इनकेस अगर कुछ छूट जाता है तो बाद में देखेंगे, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी नोड जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको होस्ट भी कर सकते हैं, अगर होस्ट करना है तो देखिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको जो है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा।